वेलकम स्टूडेंट, मैं ऋषभ जैन आपका इंजीनियर्स बर्ग यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, एसएससी और हमारा आरएसएमएसएसबी का जो जेई का सिलेबस है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसी के अंदर आज हम फर्स्ट सब्जेक्ट जो कि होता है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। कॉलेज में भी हम जब स्टार्ट करते हैं हमारे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, जब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड सेम से, तो हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और उसी के थ्रू में भी फर्स्ट सब्जेक्ट जो है हमारा वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम कंप्लीट जो जो भी हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, जो जो भी हमें चैप्टर दिए हुए हैं उसके बारे में हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे और हम इसको पूरा रीड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि ये दोनों के अंदर है, एसएससी के अंदर भी है, आरएसएमएसएसबी दोनों के अंदर आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दिया हुआ है। डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए भी है और बीटेक वाले बच्चों के लिए भी है। ठीक है, सेकंड वन चीज़ बात की जाए, एसएससी के अंदर कोई डिसाइडेड नहीं है कि आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, सो उनके फिक्स कुछ भी नहीं है, कितने मार्क्स के आ सकते हैं, चाहे तो बोले 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और चाहे तो बोले 15 क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। लेकिन आरएसएमएसएसबी के अंदर भले डिप्लोमा वाले बच्चे हो या बीटेक वाले बच्चे हो, ऑल अराउंड 10 क्वेश्चन तो आपको मिनिमम देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बीटेक वाले बच्चों के लिए 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा वालों के लिए 10 से ज़्यादा क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं, क्योंकि आपके सब्जेक्ट कम है तो इस व्याप पे वो आपसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से 10 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन मिनिमम क्वेश्चन जो है आपके वो 10 क्वेश्चन तो आपसे पूछे। ठीक है, तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से चैप्टर को इसको रीड करना है, कौन से चैप्टर को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर आपका जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो होगा हमारा सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड इलास्टिक कॉन्स्टेंट। इसके बारे में हमें डिस्कस करना है, वही एक सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी देखें, कोई मटेरियल हो तो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करें, फिर माइल्ड स्टील कर्व के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम डिफरेंट टाइप की स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में डिस्कस करें, देन फिर हम उसके अंदर कोई भी डिफॉर्म बार देखेंगे, डिफरेंट सेक्शन जो है उसको हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टाइप के हमारे पास सेक्शन अवेलेबल है और उसका कितना एलोंगेशन होता है, कितना उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करें, एंड फाइनली हमें फिर इलास्टिक कॉन्स्टेंट के बारे में डिस्कस करना है, जो कि हमारा होता है यंग मॉडुलस हुआ, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हुआ, ठीक है, इधर से हमारा बल्क मॉडुलस हुआ, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा ये हुआ, देन नेक्स्ट हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो है हमारा डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे हमारा कि स्टेबल स्ट्रक्चर है या अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, फिर डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट पे जाएंगे और डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट के अंदर हम बीम देख लेंगे कि डिफरेंट टाइप की कौन सी ऐसी बीम होती है जो डिटर्मिनेट होती है और कौन सी ऐसी बीम है जो इनडिटर्मिनेट होती है, और उसी के अंदर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारे डिजाइनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि हमें कोई भी आगे चल के हमें यदि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो हमें पहले उसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना आना जरूरी है, और उसी के व्याप पे हम क्या करते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। थर्ड वन जो है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिसके अंदर अपन वही रेक्टेंगुलर सर्कुलर आई सेक्शन टी सेक्शन उसके अंदर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना देखेंगे। फोर्थ चैप्टर जो है आपका बेंडिंग स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस है, जिसके अंदर हमें बेंडिंग स्ट्रेस को कैलकुलेट करना है, कोई भी हमारी एक बीम होगी, रेक्टेंगुलर बीम हो सकती है, सर्कुलर बीम होती है, स्क्वायर बीम हो सकती है, और उसके अंदर हमें कैलकुलेट करना है कि बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, और इधर ही हम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। देन नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो आपका होगा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करना, और उसके लिए आपके डिफरेंट मेथड होते हैं, जैसे कि आपका डबल इंटीग्रेशन मेथड हुआ, मोमेंट एरिया मेथड हुआ, कॉन्जुगेटेड बीम मेथड हुआ, इधर से हमारा मेकाले मेथड हुआ, मेकाले मेथड तो सभी के अंदर एप्लीकेबल है, तो हम उन सारे के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हमें मेनली जो हमें बीम पढ़नी है वो एक तो हमारी कैंटिलीवर बीम है और एक हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है, ओवरहैंग बीम है, उसके अंदर हमें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉलम्स, और कॉलम्स के अंदर हम तो कंप्रेशन फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्रिटिकल लोड के बारे में डिस्कस करेंगे, इसी के अंदर हमारा आयरल और रैंकाइन फॉर्मूला जिसके थ्रू हम क्रिटिकल लोड कैलकुलेट करते हैं वो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा टोर्शन ऑफ सर्कुलर सेक्शन, इसके अंदर अपन टोर्शन के बारे में टॉर्क ट्विस्ट निकालना सीखेंगे इसके अंदर। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट सिलेबस है जो कि हमारे डिप्लोमा वाले और बीटेक वाले बच्चों के लिए सिमिलर है, सेम है। इसके अलावा कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि बीटेक वाले बच्चों के लिए, तो फर्स्टली हमारा टारगेट ये है कि हम पहले दोनों के बीटेक वाले स्टूडेंट हुए और चाहे भले वो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हुए, उनका पहले एक बार सिमिलर कोर्स हम पूरा कंप्लीट करें, देन फिर उसके बाद फिर जो एक्स्ट्रा टॉपिक जो है जो हमारे बीटेक वाले स्टूडेंट के लिए जो और एक्स्ट्रा टॉपिक दिए हुए हैं उसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है, वन बाय वन अपन लेक्चर्स लेते जाएंगे और
वन बाय वन एक एक टॉपिक को अपन डिस्कस करते जाएंगे। पहले यही सब्जेक्ट इसलिए मैंने स्टार्ट किया कि हम पहले एक बार स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ लें, देन फिर उसके बाद फिर हम डिजाइनिंग में जाएंगे तो हमारे बेटर फुल होगा। फिर हम आरसीसी डिजाइन पढ़ सकते हैं, हम स्टील डिजाइन पढ़ सकते हैं, हर चीज पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में पूरा कंप्लीटली पूरा पूरा रीड आउट होना चाहिए। हमें हर चीज निकालना आनी चाहिए, हमें शेयर फोर्स निकालना आना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहिए, हमें स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में पूरा पता होना चाहिए, तभी भी आप पे हम आरसीसी और स्टील को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, सेकंड वन बात है, ये तो हुआ हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के टॉपिक के बारे में। देन आज हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो है हमारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में। लेकिन बट हम उसको पहले पढ़ने से पहले हम एक बार पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमें एक्चुअली में पढ़ना क्या है। तो ठीक है, तो जो भी हमें सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो मेन है, हमें वो दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो हमारा सॉलिड हुआ पार्ट, एक हुआ हमारा लिक्विड वाला। गैस वाला पार्ट हमारा इतना नहीं है, लेकिन हमारा सॉलिड वाला पार्ट जरूर है और लिक्विड वाला पार्ट है। लिक्विड के अंदर हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स चलाया, एनवायरमेंट चलाया, इरीगेशन चलाया, वहाँ पर हमें इसे डिस्कस करना है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हमें ओनली फॉर फोकस करना है सॉलिड मटेरियल के ऊपर। सॉलिड मटेरियल के भी आप पे हम कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे तो हमें देखना है उसकी प्रॉपर्टी के हम जो मटेरियल्स सेलेक्ट कर रहे हैं डिजाइनिंग के लिए क्या वो उसके लिए यूजफुल है या नहीं है, क्या वो उतना लोड जो हम देना चाह रहे हैं उसके लिए वो बियर कर पाएगा, क्या उसकी प्रॉपर्टी जो हमें रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल है या नहीं है, तो उसके बारे में हमें कंप्लीट डिस्कस करना है। हमें इसके अंदर डिफॉर्मेशन देखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम एक मान लेते हैं जैसे हमारी कोई सॉलिड बॉडी और उसके ऊपर जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और उस फोर्स के बाद जो उसके अंदर डिफॉर्मेशन जो आएगा, हमें उसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल उसके ऊपर डिस्कस करना है कि हम उस पर कितना लोड अप्लाई करें कि वो बॉडी डिफॉर्म ना हो, और डिफॉर्म भी हो तो वो किस पैटर्न में होती है, उसी के बारे में हमें यहाँ पे सॉलिड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर डिस्कस करना पड़ता है। उसमें कितनी स्ट्रेंस जनरेट हुई, कितना स्ट्रेन हुआ, वही हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ना है, और उसी के व्याप पे हम डिजाइनिंग वाले पे डिजाइन कर पाएंगे। जब हमें एक बार मटेरियल की उसकी पूरी प्रॉपर्टी पता होगी कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, क्या वो मटेरियल ब्रिटल है, डक्टाइल है, टफनेस है, हार्डनेस है, उन सारे के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा, जो कि हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन वाला वीडियो भी है और जिसके अंदर में पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टी देख लेंगे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, और उसी के व्याप पे हम मटेरियल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि मैंने बताया था कि यदि कोई भी सॉलिड बॉडी हुई उसके ऊपर यदि आपने फोर्स को अप्लाई किया, कोई भी फोर्स अप्लाइंग लोड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो लोड, भले चाहे वो भले डेड लोड, भले खुद का सेल्फ वेट हो सकता है, लाइव लोड हो सकता है, इधर से हमारा अर्थक्वेक लोड हुआ और वह कोई भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सेस्मिक लोड हुआ, इधर से हमारा विंड लोड हुआ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लोड हुआ, और उसके बाद हमें देखना है कि जब वो सॉलिड बॉडी के ऊपर वो फोर्स लगेगा तो उसका बिहेवियर कैसा है, वो डिफॉर्म कैसे हो रही है, हमें उसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, कि वो डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है, एक लिमिट तक डिफॉर्मेशन है कि क्या वापस से उसे रिगेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, सेकंड वन, यहाँ पे जो भी हम स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे, ठीक है, तो हमें आगे चल के स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है, तो उसके अंदर हमें देखना है एक ऐसा सेफ लोड फाइंड आउट करना है कि जिससे कि हमारा स्ट्रक्चर क्या ना हो, फेल ना हो, और उस जिस और हमें एक वैसा लोड निकालना है जिससे कि हमारा स्ट्रक्चर सेफ रहे और लोड हमारा बेटर रह सके। तो इसके बारे में हम फर्स्टली डिटरमाइन करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल के डिटरमाइन द सेफ लोड एंड सेफ लोड ऑन ए स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सेफ लोड हमें निकालना है इसके अंदर। ठीक है, एक बात तो बोलना चाहता हूँ कि ये जो क्लास हो रही है ये दोनों बाई लैंग्वेज में हो रही है, यहाँ पे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं, बीटेक वाले स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं। मैं डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए मैं हर जो हमारा जो भी डेफिनेशन होगी या फिर जो भी थ्योरी होगी उसको मैं ओरली बोल दूंगा, और जितने भी इंग्लिश की जो भी होगा वो मैं आपको यहाँ पे पहले रिटर्न कर दूंगा, और मैं आपको बोलता हुआ भी जाऊँगा और लिखता हुआ भी जाऊँगा, तो आपको कंप्लीट दोनों ही लैंग्वेज वाले, भले वो चाहे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हुए और चाहे बीटेक वाले स्टूडेंट, दोनों के लिए ये जो लेक्चर है वो यूजफुल है। ठीक है, तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, अब हमें एक चीज़ तो पता चली कि चलो ठीक है हमें क्या पढ़ना है, हमें सॉलिड्स के बारे में पढ़ना, तो हम पहले एक बार देख लेते हैं कि सॉलिड मटेरियल कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से बिहेवियर होते हैं। तो बिहेवियर के भाप पे हम सॉलिड मटेरियल को हम तीन टाइप्स में बांट सकते हैं, एक तो होता है हमारा इलास्टिक मटेरियल, एक होता है हमारा प्लास्टिक मटेरियल, एक होता है हमारा रिजिड मटेरियल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं, पहला इलास्टिक है, दूसरा हमारा प्लास्टिक है, और तीसरा हमारा रिजिड मटेरियल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलास्टिक को बोलते हैं अपन प्रत्यास्थ पदार्थ, दूसरा होता है हमारा इलास्टिक मटेरियल जो होता है वो तो होता है हमारा प्रत्यास्थ पदार्थ, ठीक है, प्लास्टिक वाला जो होता है वो सुगठित पदार्थ होता है, और जो रिजिड मटेरियल होता है वो होता है हमारा दृढ़ पदार्थ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस कर रहे हैं अभी फर्स्ट ऑफ ऑल कि इलास्टिक मटेरियल कौन सा होता है, प्रत्यास्थ पदार्थ क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि मान लेते कोई
सॉलिड बॉडी, उसके ऊपर हमने कोई फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद वो कोई बॉडी डिफॉर्म हुई है या फिर उसके अंदर कोई चेंज इन लेंथ हुई या फिर उसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन आया है, और जैसे ही मैंने उस पर जो अप्लाई होने वाला जो लोड है उसको मैंने हटा लिया तो वापस से वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन, ओरिजिनल साइज और शेप में चल जाती है। तो वो जो पदार्थ होगा, वो जो मटेरियल होगा, वो मटेरियल कौन सा कहलाएगा? हमारा इलास्टिक मटेरियल कहलाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इलास्टिक मटेरियल होता है पदार्थ, ठीक है, इसे हिंदी में प्रत्यास्थ पदार्थ कहते हैं। और ठीक है, यहाँ पे रिटर्न टू ओरिजिनल साइज एंड शेप, जब भी लोड आफ्टर द रिमूवल लोड वो रिटर्न हो जाता है, वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चल जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात हुई हमारी इलास्टिक मटेरियल की। सेकंड वन बात जो है हमारी प्लास्टिक मटेरियल, जिसे हम क्या बोलते हैं, सुघट्य पदार्थ। अब सुघट्य पदार्थ कौन से होते हैं? यदि मैंने उसके ऊपर कोई बॉडी है, सॉलिड बॉडी है, और उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया और फोर्स की वजह से उसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन आया, कुछ विरूपण आया, डिफॉर्मेशन क्यों बोलते हैं हिंदी में, विरूपण बोलते हैं। तो यदि मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाया और उसके अंदर यदि कुछ डिफॉर्मेशन आया, और यदि मैंने उस लोड को हटाया, लोड को लगाने के बाद जैसे ही हटाया, पर वो जो लोड की वजह से जो मेरा डिफॉर्मेशन हुआ है या जो विरूपण हुआ है वो परमानेंट हो गया है, ठीक है, तो वो वापस से अपनी ओरिजिनल साइज एंड शेप पे नहीं जा पा रहा है, तो उस टाइप का मटेरियल क्या कहलाएगा? हमारा प्लास्टिक मटेरियल कहलाएगा। कौन सा मटेरियल कहलाएगा? हमारा प्लास्टिक मटेरियल कहलाएगा। थर्ड वन टाइप का जो मटेरियल होता है वो होता है हमारा रिजिड मटेरियल। कौन सा मटेरियल होता है? रिजिड मटेरियल होता है, या फिर हम इसे दृढ़ पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इस टाइप का मटेरियल जो होता है उसके ऊपर यदि हम कितना भी फोर्स लगाएं लेकिन उसके अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है, कुछ भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा, वो एकदम अपनी ओरिजिनल पोजिशन में बना रहेगा जब तक वो अपने लोड को बियर कर रहा है, बियर करता रहेगा, लेकिन वो डिफॉर्म नहीं होगा। तो इस टाइप के पदार्थ जो होते हैं वो कौन से पदार्थ कहलाते हैं? हमारे दृढ़ पदार्थ कहलाते हैं। कौन से पदार्थ कहलाते हैं? दृढ़ पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अब इसे एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ इलास्टिक मटेरियल हुआ, ठीक है, इसके अंदर हमने लोड लगाया, लोड को जैसे ही हटाया, लोड लगाया, डिफॉर्मेशन हुआ, लोड को हटाया, वापस से अपनी ओरिजिनल पोजिशन पहुंच गया। दूसरी चीज है हमारा प्लास्टिक मटेरियल हुआ, सुघट्य पदार्थ हुआ, इसमें क्या हुआ, जैसे मैंने उस लोड को लगाया, डिफॉर्मेशन हुआ, लोड को हटाने के बाद भी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जा पा रहा है, अपनी पुनः अवस्था में नहीं जा पा रहा है साइज एंड शेप पे, तो वो कौन सा मटेरियल कहलाएगा? हमारा प्लास्टिक मटेरियल होगा। और थर्ड वन जो है हमारा वो कौन सा है? रिजिड मटेरियल। इस टाइप का मटेरियल क्या होता है? इस टाइप का मटेरियल यदि आप उसके ऊपर लोड लगाओगे तो वो डिफॉर्म नहीं होगा, कैन नॉट बी डिफॉर्म। आप भले उसके ऊपर लोड लगाओगे लेकिन वो डिफॉर्म नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखा कि जो हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर, जैसे कोई भी हमारी सॉलिड बॉडी होगी उसके ऊपर लोड लगाएंगे तो हम डिफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर डिफॉर्मेशन कैसा हो रहा है, क्योंकि उसी के व्याप पे हम आगे के बारे में डिस्कस करते हुए चले हैं। तो यही चीजें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हम यही मैकेनिज्म पढ़ना है हमें, किसका? सॉलिड्स के बारे में, क्योंकि हम इसके आगे अप्लाई करेंगे इसलिए। ठीक है, सेकंड वन चीज है वही सेफ लोड निकालना है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा और इसके अंदर मैंने मटेरियल के बारे में डिस्कस कर दिया, वापस नहीं बोलने जरूरत है। ठीक है, इलास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल और रिजिड मटेरियल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब देन हम आगे डिस्कस करते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। ठीक है, कौन कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है जो कि हमें हर मटेरियल के अंदर हमें देखनी है कि क्या वो मटेरियल जो है हम डिजाइनिंग के लिए लेंगे, क्या वो मटेरियल ब्रिटल है या डक्टाइल है, वो इलास्टिक है या प्लास्टिक है, क्या वो टफ है या हार्डनेस है, मेलेबिलिटी है, इन सभी के बारे में हमें एक एक करके डिस्कस करना है कि मेलेबिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी क्या होती है, हमारी ब्रिटलनेस क्या होती है, प्लास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी क्या होती है, इन सब के बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कोई भी हमारी सॉलिड बॉडीज हुई उसके अंदर कौन कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमें देखना पड़ेगा उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बताता हूँ जो कि हमें आगे डिस्कस करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी हमारी इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, इसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इलास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल सेम वही प्रॉपर्टी है। थर्ड वन हमें पढ़ना डक्टिलिटी, जिसे बोलते हैं हम तन्यता। फोर्थ पढ़ना आपको ब्रिटलनेस, ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भंगुरता। फिर आपको पढ़ना मेलेबिलिटी, कुट्यता। देन फिर पढ़ना आपको टफनेस, जिसे बोलते हैं कड़ापन। और लास्ट है आपका हार्डनेस, जिसे हम बोलते हैं कठोरता। ये सात डेफिनेशंस आपको पढ़नी है, सात आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टी। कोई भी मटेरियल आप यदि सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी पहले हमें ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा कि वो मटेरियल इलास्टिक है या प्लास्टिक है,
डक्टाइल है या ब्रिटल है, यदि ब्रिटल है तो हम उसका डिजाइनिंग के अंदर उसका यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, टफनेस कितनी, उसकी हार्डनेस कितनी है, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहली प्रॉपर्टी लेके चलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी, वो होती है हमारी इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। यदि फॉर एग्जाम्पल एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यदि कोई हमारी कोई मटेरियल है उसके ऊपर यदि मैंने कोई लोड लगाया है और यदि वो डिफॉर्म हुआ है और डिफॉर्म होने के बाद जब मैंने लोड को वापस से रिटर्न ले लिया है या फिर मैंने हटा दिया है वहाँ से, तो वो क्या हो रहा है, वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है। तो इसका मतलब वो मटेरियल कैसा है, हमारा इलास्टिक मटेरियल है। कौन सा मटेरियल है, इलास्टिक मटेरियल है। और यही मटेरियल की जो है प्रॉपर्टी वही क्या कहलाती है, आपकी इलास्टिसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, आपकी इलास्टिसिटी कहलाती है। सेकेंड वन प्लास्टिसिटी, जब मैं लोड को हटाऊंगा तो वो अपनी वापस से रिटर्न पोजीशन में नहीं जाएगा, वापस से अपने ओरिजिनल साइज एंड शेप पे नहीं जाएगा। दैट मीन्स वो मटेरियल कौन सा हुआ, हमारा प्लास्टिक मटेरियल। और उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इस प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी बोलेंगे, ठीक है। जिसे अपन क्या बोलते हैं, सुगठ्यता बोलते हैं। यहाँ पे परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ठीक है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी को क्या बोलते हैं हम, तन्यता। और फोर्थ वन जो है बिटलनेस, इन दोनों को हम कंपेयर करके पढ़ेंगे कि डक्टिलिटी क्या होती है और बिटलनेस क्या होती है। बिटलनेस को बोलते हैं हम, ब्रिटलनेस को हम क्या बोलते हैं, भंगुरता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भंगुरता, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डिस्कस करने के लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई मेरा एक मटेरियल है या फिर एक हमारी सॉलिड बॉडी है, एक मटेरियल की एक सॉलिड बॉडी बनी हुई है, ठीक है। यदि उसके ऊपर यदि मैं कोई फोर्स लगाता हूँ, कोई मैंने फोर्स लगाया या फिर मैंने उसको पुल किया है या फिर मैं खींच रहा हूँ, तो वो क्या होगा, उसकी वजह से यदि मैं खींचने के बाद या फिर मैंने उसके ऊपर जब फोर्स लगाया है तो उसके अंदर क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है। और डिफॉर्मेशन किस डायरेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में मैं उसका यदि विरूपण होता है या उसका डिफॉर्मेशन होता है, तो वो कौन सा कहलाता है, हमारा ब्रिटलनेस नहीं, जबकि क्या कहलाता है, आपका डक्टाइल मटेरियल कहलाता है। कैसा मटेरियल कहलाता है, डक्टाइल मटेरियल कहलाता है। वो टूटेगा नहीं, वो पहले क्या होगा, डिफॉर्म होगा, उसके अंदर क्या होगा, चेंज इन लेंथ होगी, वो अपनी लेंथ को चेंज करेगा और वो अपनी विरूपण करते हुए बढ़ता हुआ चला है। और एक लिमिट तक वो प्लास्टिसिटी में परमानेंट प्लास्टिक, यदि हम कहें कि क्या हमारा जो डक्टाइल मटेरियल है वो प्लास्टिक मटेरियल है, क्यों, हाँ, ये डक्टाइल मटेरियल जो होता है वो कौन सा मटेरियल होता है, हमारा प्लास्टिक मटेरियल ही कौन सा होता है, डक्टाइल मटेरियल होता है। जिसके अंदर क्या होता है कि वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, अब पहले एक बार समझ ले, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन जिसे बोलते हैं, जिसे अनुप्रस्थ नहीं जबकि अनुदैर्ध्य बोलते हैं, अनुदैर्ध्य डायरेक्शन में वो क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है, जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन किसे कहते हैं, कहने का मतलब यह है कि जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं और उसी डायरेक्शन में यदि उसकी लेंथ में चेंज हो रहा है, वो उसकी लेंथ बढ़ रही है, तो वो डायरेक्शन कौन सी कहलाएगी, आपकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। अब जो डायरेक्शन में आपका फोर्स लगा रहा है वही डायरेक्शन आपकी कौन सी कहलाएगी, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, जबकि उसकी जो अपोजिट जो दोनों और डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन कहलाएगी, आपकी लेटरल डायरेक्शन कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी, लेटरल डायरेक्शन कहलाएगी, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना कि भले चाहे डक्टाइल हो या ब्रिटल हो, दोनों के अंदर यदि हमें उसकी प्रॉपर्टी को देखना कि यदि वो ब्रिटल है या डक्टाइल है, तो वहां पे जो स्ट्रेस देनी, वहां पे जो फोर्स लगाई, वो हम क्या करेंगे, टेंसाइल फोर्स लगाएंगे। टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, दैट मीन्स हम उसको खींचेंगे, ना कि उसे हम कंप्रेस करेंगे, ना कि हम उसे दबाएंगे, ठीक है। और उसी के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, इसको क्लासीफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बता दिया कि डक्टाइल मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसको हम यदि टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, टेंसाइल स्ट्रेस लगाएंगे, तो उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन होगा वो कैसा डिफॉर्मेशन होगा, लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन होता है, तो वो डक्टाइल मटेरियल है। और इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट क्या है कि मटेरियल कैन नॉट बी डिफॉर्म लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है। यदि मैं उसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ तो वो डिफॉर्म नहीं हो पाता है, वो या तो क्या होगा, एक लिमिट तक तो उस फोर्स को क्या करेगा, बियर करेगा, देन उसके बाद सडनली क्या हो जाएगा, वो फेलियर हो जाएगा। तो इस टाइप का मटेरियल हम डिजाइनिंग में यूज नहीं करते। हम एक चीज ट्राई करते हैं कि हमारा जो एक बार हमें इंडिकेशन मिल जाए, फेलियर होने से पहले हमें एक इंडिकेशन मिल जाए, कुछ ना कुछ ऐसी चीज पता चल जाए कि हाँ, ये जो हमारा बीम है, ये हमारा जो कॉलम है या फिर कोई भी स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो फेलियर हो रहा है, तो उससे पहले हम उसका क्या कर पाएंगे, उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे या फिर हम उसको मेजर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज क्या होता है, ब्रिटलनेस मटेरियल जो होता है वो मटेरियल होता है जो कि क्या होता है कि वापिस क्या नहीं कर पाता है, डिफॉर्म नहीं हो पाता है। एक बार तो वो लोड को बियर करेगा,
लोड को बियर करने के बाद वो सडनली क्या हो जाएगा, हमारा फेलियर हो जाएगा। इसीलिए इसी भी आप पे हम क्या करते हैं कि कंक्रीट के स्ट्रक्चर के अंदर हम स्टील को प्रोवाइड करते हैं। क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि जो हमारा कंक्रीट जो पार्ट होता है वो कैसा पार्ट होता है, ब्रिटल पार्ट होता है, और उसके अंदर यदि हम डक्टिलिटी के लिए हम यदि स्टील को प्रोवाइड कर देते हैं तो वो किस टाइप का मटेरियल बन जाता है, एक डक्टाइल मटेरियल बन जाता है। आरसीसी जो हो जाती है वो हमारी डक्टिलिटी वाली हो जाती है, जिससे कि हमें फेलियर होने से पहले क्या मिल जाता है, एक इंडिकेशन मिल जाता है। सेकंड चीज बात करूं मैं रबर, रबर भी क्या है, रबर भी प्लास्टिक, रबर भी जो होता है वो कैसा होता है, हमारा ब्रिटल मटेरियल होता है। कौन सा मटेरियल होता है, वो ब्रिटल मटेरियल होता है, ना कि डक्टाइल मटेरियल होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आता है। यदि परमानेंट, आप तो सिंपल सी बात याद रखो, यदि कोई मटेरियल है और उसके ऊपर यदि आप फोर्स लगाते हो और फोर्स हटाने के बाद भी यदि उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है, दैट मीन्स वो मटेरियल कौन सा मटेरियल होगा, हमारा डक्टाइल मटेरियल होगा, या फिर क्या होगा, उसकी यही डक्टाइल मटेरियल ही क्या कहलाएगा, आपका डक्टिलिटी कहलाएगी। उसके इसी गुणधर्म को, इसी फीचर्स को हम क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी बोलेंगे। और यदि उसके अंदर यदि क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं हो पाता, आप रबर को दे लो, रबर को आप जब तक खींचो नहीं जब तक तो खींच जाएगा, लेकिन आप जैसे ही यदि उस फोर्स को हटा दो, उस खींचना छोड़ दें, तो वापस से अपनी कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन पे, परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आप ले पाएगा। तो इस टाइप का मटेरियल जो होता है वो कौन सा मटेरियल कहलाता है, आपका ब्रिटल मटेरियल कहलाता है। और इसी इसी गुणधर्म को हम क्या बोलेंगे, ब्रिटलनेस बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, भंगुरता बोलेंगे। हिंदी वाले भंगुरता बोलेंगे और हम इंग्लिश वाले जो भी होंगे वो क्या बोलेंगे, ब्रिटलनेस बोलेंगे। नेक्स्ट वन चीज, ठीक है। अब देखो इसके बाद दोनों के अंदर जो स्ट्रेस है, दोनों के अंदर मैंने आपको बता दी, जो स्ट्रेस आपको जो देनी वो स्ट्रेस कौन सी देनी आपसे पूछ सकता है, कि जो ब्रिटलनेस और डक्टिलिटी के अंदर जो हम क्लासीफाई जो करते हैं वो कौन सी स्ट्रेस के बिहाफ पे करते हैं, तो हम बिहाफ जो होता है हमारा वो टेंसाइल स्ट्रेस ही होता है, ना कि हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस। अभी आगे चल के अपन स्ट्रेस के बारे में पढ़ना, फोर्स के बारे में सारा डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना सा याद रखिए कि जो टेंसाइल स्ट्रेस होता है उसी के ही बिहाफ पे हम किसको क्लासीफाई कर पाएंगे, डक्टाइल मटेरियल और हमारे कौन से मटेरियल को, ब्रिटल मटेरियल को। नेक्स्ट जो हमारी फिफ्थ जो डेफिनेशन है वो है हमारी मेलेबिलिटी, जिसे अपन बोलते हैं कुट्टिता, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर पहले जो मैंने जो दो पहले पढ़ाया है वो कौन सा है, उसके अंदर हम टेंसाइल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, कि यदि हम टेंसाइल स्ट्रेस दे रहे हैं तो उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो डिफॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, उसी के व्याप पे हमने क्लासीफाई किया है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, मेलेबिलिटी के अंदर क्या है, जो स्ट्रेस होगी वो क्या होगी, हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी। क्या स्ट्रेस होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी, ठीक है। तो ये पदार्थ का या फिर ये मटेरियल का या सॉलिड बॉडी का ये जो हमारी जो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इसके अंदर क्या करते हैं हम, यदि जब किसी बॉडी के ऊपर यदि हम कोई कंप्रेसिव स्ट्रेस या कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, यदि हम उसे ठोकते हैं या पीटते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, वो किसी भी साइज और शेप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि एक छोटी सी बॉल है उसको हम एक बड़ी से हम किसी एक चेन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, एक तार के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके अलावा हम उसकी शीट बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जिस साइज के अंदर चाहे, जिस शेप के अंदर चाहे, उसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही जो गुणधर्म है, यही जो उसकी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, हमारी मेलेबिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, उसकी मेलेबिलिटी कहलाती है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, उसको पूरा का पूरा दूसरे शेप और साइज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटी सी बॉल को हम लेके हम पूरा पूरा एक भले नेकलेस बना सकते हैं, गोल्ड हुआ, जैसे हमारी सिल्वर हुई, ये सब क्या होता है, कास्ट जो गोल्ड सिल्वर ये हुआ, इसके अंदर क्या होता है कि हम इसको बताओ छोटी सी चीज को भी हम बड़े चीज में हम बदल सकते हैं। किसे बदल सकते हैं, वो जो प्रॉपर्टी कहलाती है, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, स्टील की जो होती है, स्टील की अपन चादर बना देते हैं, वैसे यही जो सेम प्रॉपर्टी कहलाती है, ये प्रॉपर्टी कौन सी कहलाती है, आपकी मेलेबिलिटी कहलाती है, ठीक है। अब एक चीज याद रखनी, यहाँ पे जो मेलेबिलिटी के अंदर जो स्ट्रेस होगी वो कौन सी स्ट्रेस होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी, जबकि हमारा जो इससे पहले जो मैंने दो जो डिस्कस किया उसके अंदर क्या होगी, हमारी टेंसाइल स्ट्रेस होगी, ठीक है। यहाँ पे संपीड़न होगा और यहाँ पे दोनों पे तनन होगा। हिंदी वाले बच्चों के लिए यहाँ पे तनन होगा, तनन प्रतिबल होगा, जबकि यहाँ पे कौन सा होगा, हमारा संपीड़न प्रतिबल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं वो भी, इसे भी हम दोनों को क्लासिफाई करके पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो होता है हमारा टफनेस और एक होती है मेरी हार्डनेस, ठीक है। टफनेस और हार्डनेस की भी आप यदि बात करूँ, यदि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये मेरा बॉडी है, मान लेते हैं कि ये सॉलिड बॉडी, यदि मैंने इसके ऊपर एक कोई फोर्स लगाया और मैंने जैसे इस फोर्स को अप्लाई किया तो क्या हुआ, यदि इसकी एक कैपेसिटी होगी तो इस फोर्स को क्या कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा,
और एब्जर्व करने की ही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, उसकी टफनेस कहलाती है। क्या कहलाती है? उसकी मटेरियल टू एब्जर्व एनर्जी, एनर्जी बोल दो, लोड बोल दो, ठीक है। तो जैसे ही उसके ऊपर कोई सडनली लोड आएगा, उस लोड को यदि वो एब्जर्व कर लेता है, उसको यदि वो सहन कर लेता है, तो वो क्या कहलाता है, उस मटेरियल को हम क्या कहेंगे, टफ मटेरियल है। यदि उस लोड को नहीं कर पा रहा है तो वो मटेरियल क्या होगा, फिर वो उसकी टफनेस उसकी कम होगी, उसी व्याप पे अपन उसे क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। कि डिफरेंट डिफरेंट इस मटेरियल की टफनेस इतनी है, इस मटेरियल की टफनेस इतनी है, इस मटेरियल की टफनेस इतनी। पर टफनेस दैट मीन्स कि यदि मैं उसके ऊपर यदि कोई भी एकदम सडनली लोड लाता हूँ, इम्पैक्ट लोड लाता हूँ, तो उस लोड को बियर करने की जो प्रॉपर्टी है, वही चीज़ क्या कहलाती है, मटेरियल को एब्जॉर्ब एनर्जी बोल दो, या लोड को बियर करने की जो कैपेसिटी बोल दो, ठीक है। तो वही क्या कहलाती है, आपकी टफनेस कहलाती है, या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं, कड़ापन बोलते हैं, कड़ापन बोलते हैं। नेक्स्ट वन जो है हमारी सेवंथ डेफिनेशन जो है वो है हमारी क्या, हार्डनेस, हार्डनेस या फिर कठोरता, ठीक है। इससे अपन समझने के लिए अपन बोलते हैं कि जैसे कि कोई एक हमारी सॉलिड बॉडी है, उसके ऊपर मैं यदि स्क्रैच कर रहा हूँ और वो स्क्रैच नहीं हो पा रहा है, तो यही प्रॉपर्टी उसकी क्या कहलाएगी, हमारी हार्डनेस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, हमारी हार्डनेस कहलाएगी। यदि मैं जैसे कोई एक सॉलिड बॉडी हुई, जैसे एक बोर्ड हुआ, ठीक है, यदि ये हार्ड होगा और मैंने यदि इसके ऊपर स्क्रैच कर रहा हूँ और स्क्रैच नहीं हो पा रहा, दैट मीन्स ये बॉडी कैसी है, हार्ड बॉडी है, जिसकी वजह से मैं जब उसके ऊपर एब्रेशन, ठीक है, इससे क्या बोलते हैं अपन, सरफेस के ऊपर यदि मैं एब्रेशन करूँगा और यदि वो स्क्रैच नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब दैट मीन्स क्या, वो जो हमारी जो बॉडी हुई या जो मटेरियल हुआ वो कैसा है, हार्ड मटेरियल है, ठीक है। तो हमने फर्स्टली एक चीज डिस्कस करी है, ठीक है। एक बार मैं पहले आपको पहले कंप्लीटली बताता हूँ कि जो हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है, उसके अंदर हमने पढ़ा इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, यदि मैंने उसके ऊपर यदि लोड को जैसे ही हटाया तो वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएगी, दैट मीन्स वो मटेरियल कौन सा हुआ, इलास्टिक मटेरियल हुआ। यदि वो ओरिजिनल शेप पे नहीं पहुंचेगी तो वो कौन सा हुआ, प्लास्टिक, यही प्रॉपर्टी प्लास्टिसिटी की लाएगी। देन फिर इसके बाद क्या है, मैं डक्टिलिटी पे, डक्टिलिटी दैट मीन्स तन्यता, तन्यता के अंदर क्या हुआ, जब आपने उसके ऊपर कोई टेंसाइल स्ट्रेस या टेंसाइल फोर्स लगाया तो उसके अंदर कौन सा डिफॉर्मेशन होगा, लॉन्गिट्यूडिनल डिफॉर्मेशन होगा। कौन सा डिफॉर्मेशन होगा, लॉन्गिट्यूडिनल डिफॉर्मेशन होना चाहिए। यदि डिफॉर्मेशन होता है तो वो मटेरियल कौन सा कहलाएगा, डक्टाइल मटेरियल कहलाएगा। यदि वो नहीं डिफॉर्मेशन होता है तो वो मटेरियल कौन सा कहलाएगा, भंगुर कहलाएगा, या फिर क्या कहलाएगा, ब्रिटलनेस कहलाएगा, ठीक है। और यदि यहाँ पे आपसे पूछ ले कि कौन सी स्ट्रेस लगाना है, कौन सा फोर्स लगाना है, ठीक है, तो हमारे जो स्ट्रेस तो उसके अंदर डेवलप होगी, स्ट्रेस तो क्या होगी, उसके अंदर डेवलप होगी। और यदि हम जो फोर्स लगाएंगे वो फोर्स कौन सा होगा, हमारा टेंसाइल स्ट्रेस होगा। कौन सा स्ट्रेस होगी, हमारी टेंसाइल फोर्स होगा। क्या होगा, हमारा टेंसाइल फोर्स होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं अपन मेलेबिलिटी की। मेलेबिलिटी के अंदर हमारा कौन सा फोर्स लगाएंगे, कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे, जिसकी वजह से उसके अंदर जो जनरेट होगा वो कौन सा कंप्रेसिव स्ट्रेस इंटरनली रजिस्ट करेगी, किसको, कंप्रेसिव स्ट्रेस को जनरेट होगी, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे उसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होता है, किसी भी साइज एंड शेप में इजिली क्या हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती, तो वो मटेरियल कौन सा कहलाएगा, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे किसी मटेरियल को हम क्या कर देते हैं, एक बोल गम वाले शीट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, किसी भी साइज एंड शेप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, हमारी कुट्यता या फिर मेलेबिलिटी कहलाती है। टफनेस और हार्डनेस के अंदर यदि उस इम्पैक्ट लोड को या फिर उस जो मैंने एकदम लोड दिया है, जो हमने उस लोड की जो एनर्जी है उसको क्या कर लिया, उसने एब्जॉर्ब कर लिया, दैट मीन्स वो क्या हुआ, हमारा टफनेस कहलाएगी। और यदि मैंने कोई मटेरियल हुई, कोई बॉडी हुई, उसके ऊपर सॉलिड बॉडी हुई, उसके ऊपर मैंने जैसे यदि स्क्रैच करना चाहिए, सरफेस एब्रेशन किया, और वो क्या कर रहा है कि उसको रजिस्ट कर रहा है, उसको एब्रेशन स्क्रैच होने नहीं दे रहा है, तो वही प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, उसकी हार्डनेस कहलाएगी, ठीक है। तो अभी आज का जो लेक्चर है उसे हम यहीं पे एंड करेंगे, जिसके अंदर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमें पढ़ना क्या है, पहले मैंने आपको वन बाय वन सब टॉपिक वाइज बता दिया है कि हमें ये टॉपिक पढ़ने हैं। देन फिर इसके बाद हमने पढ़ लिया कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हमें एक्चुअली में पढ़ना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एक दो चैप्टर के अंदर अपन डिफॉर्मेशन पढ़ेंगे, देन फिर उसके बाद हम उसका शेयर फोर्स देखेंगे, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो लोड आएगा उसकी वजह से क्या हुआ, शेयर फोर्स जो लोडिंग इफेक्ट होते हैं वो इफेक्ट कौन से होते हैं, एक तो होता है हमारा शेयर फोर्स होता है और एक हमारा बेंडिंग मोमेंट होता है, उसके बारे में जानेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानेंगे, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के भी आप पे हम सेक्शन मॉडुलस निकाल पाए, इलास्टिक प्लास्टिक मॉडुलस निकाल, उसी के भी आप पे हम स्टील को डिजाइन करते हैं, और शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की ही भी आप पे हम किसको डिजाइन करते हैं, हम हमारे RCC वाले पार्ट को, स्टील वाले पार्ट के अंदर हमें सेक्शन मॉडुलस पूरा कंप्लीटली आना चाहिए, उसी के भी आप पे हम क्या करते हैं, कोई भी सेक्शन को सेलेक्ट कर पाते हैं। तो वो चैप्टर था, ठीक है, वो पूरा 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 कंप्लीट सिलेबस है। सेकंड वन चीज़, फिर उसके बाद क्या किया हमने कि
इसके बाद हमारा जो था मटेरियल की मैंने आपको टाइप बता दिया है, इलास्टिक मटेरियल क्या होता है, प्लास्टिक मटेरियल क्या होता है, रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड मटेरियल क्या होता है। देन फिर इसके बाद हमने आज मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया, कंप्लीट 7 प्रॉपर्टी है। इसके अलावा भी जो हमारा नेक्स्ट जो होगा उसके अंदर मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ, स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कौन कौन से लोड अप्लाई होंगे, ठीक है, वो एक तो हमारे जो है कि जो नेचर की वाइज या फिर हमारे जो लोड के भी आप पे, फिर उसकी प्रॉपर्टीज के बाद कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोर्स लगते हैं, ठीक है, कौन कौन से फोर्स लगते हैं, जैसे टेंसाइल फोर्स हुआ, कंप्रेसिव फोर्स हुआ, शेयर फोर्स हुआ, तो डिफरेंट डिफरेंट उस फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद फिर हम हमारे चैप्टर जो है जो कि हमें क्या पढ़ना है, स्ट्रेस और स्ट्रेन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। माय डिस्टिल तरवा कंटिन्यू हम वन बाय वन क्लासे लाते जाएंगे, वन बाय वन क्लासे लेते जाएंगे, जिसके व्याप पे हमारा क्या होगा कि हमारा सबसे पहला जो हमारा बेसिक सब्जेक्ट जो है जो कि हमारे डिजाइनिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम कम्प्लीटली अच्छे से समझ पाए, ठीक है। सेकंड वन चीज जो है हमारी के नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो भी न्यूमेरिकल भी आते जाएंगे, जो जो भी हम, क्योंकि अब फिर हम फोर्स पढ़ लेंगे, एक बार स्ट्रेस पढ़ लेंगे, स्ट्रेन पढ़ लेंगे, तो उसको भी हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, पसंद आए तो आप इसको क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी आपके डाउट आए वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, हमारी टीम या मैं खुद आपको उस सारे क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में, जिस भी लेक्चर के अंदर यदि वो कमेंट आएगा तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।